मेरठ महापौर सीट पर बसपा भी पूरी ताकत से मैदान में डट गई है और बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं को मेरठ में जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाइए और बीएसपी प्रत्याशी हशमत मलिक को चुनाव जिताइए। हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के प्रभारी शमसुद्दीन रायन साहब हैं। रायन साहब, देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन की अगर बात करूँ तो जो अब तक ये कहा जा रहा था कि बसपा का चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत तेजी से रफ्तार? बहुजन समाज पार्टी कभी दिखावा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर साइलेंट होकर काम करता है, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के आदेश को मानता है, लेकिन जब दिखावे की बात आई तो आपने हुजूम देखा। ये मेरी मीटिंग थी आज कितने बड़े पैमाने पर दलित, मुसलमान, पिछड़े और अपर कास्ट समाज के लोग एक मुस्तैज के साथ, क्योंकि इस दौर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी अपने आप को यहाँ से ख़त्म मान रही, उनके लोग ज़्यादातर अब सपा के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अपने आप को हार स्वीकार कर चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अब बीएसपी और बीजेपी की फाइट हैगी। इसलिए मुझे उम्मीद है इस बार, इतनी पिछली बार हम 40,000 वोटों से जीते थे महापौर का चुनाव, इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद है 50,000 वोटों से ऊपर जीतने का ये लक्ष्य है और 50,000 वोटों से ज़्यादा जीत कर आएंगे हम लोग। अच्छा साहब, एक चीज़ बताइए कि समाजवादी पार्टी भी तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो तो हमारे साथ है, गुर्जर समाज है, एससी समाज भी हमारे साथ आ रहा है, तो हमने कैसा कि अखिलेश यादव ने कैसा समीकरण बनाया है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दें? देखिए, ये लोग राजनीतिक गठबंधन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक गठबंधन करती है, समाज को भागीदारी देके सियासत करती है, ये लोग राजनीतिक लोगों को गठबंधन करते हैं। इसलिए इस बार सामाजिक गठबंधन कई गुना सामाजिक गठबंधन इन पर हावी हो रहा है, इसलिए सर समाज के लोग हमको वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कौन से नंबर पर मानने हैं मुकाबला आपसे? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी यहाँ है ही नहीं है, सपा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से सर समाज के साथ साथ मुस्लिम और दलित और पिछड़े ये मान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो बीएसपी को लाना है, क्योंकि पिछली बार यही पैटर्न चला था, दलित, मुसलमान और पिछड़ा और प्रकाश मिलकर यहाँ हमने मेयर बनाया था 40,000 वोटों से जीतकर। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती है कि क्या कहते हैं 2017 में बीजेपी से आपने ये सीट छीन ली थी और इस बार बीजेपी भी वही बदला लेने के लिए पूरी रणनीति से उतरी हुई है कि इस बार फिर से कमल खिलाना, किसी को जीतने नहीं देना? भारतीय जनता पार्टी, मैं क्या कहूँ, जनता को मन बना चुकी है, इस बार फिर दोबारा बीएसपी को जिताना है, ये जनता ही मन बना रही है, हम लोग नहीं, जनता खुद कह रही है बीएसपी की सरकार में अमन चैन रहता है और लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता, और इतना ही नहीं, इस चुनाव की बुनियाद पर बहन जी ने सबसे पहले, जो हमारी सरकार थी 2007 से 12 तक, तो बहन जी ने सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा, सड़क, पानी के साथ साथ जो ग्राम सभाओं में, जो सफाई ग्राम सभाओं में नहीं होती थी, बहन कुमारी मायावती जी ने 1,08,845 सफाई कर्मी लगाकर हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी देके ये संदेश दिया था कि हम भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश को, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको हम साफ सुथरा, शिक्षित और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसकी आज तक लोग तारीफ करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार की सभा ऐसी सरकार। इसलिए जो आप जो चुनाव है, ये चुनाव से हम सरकार तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हौसले को उनको जरूर कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बना के बैलेंस और पावर निखर कर आएंगे। अच्छा, पहले चरण का जो मतदान हुआ, सहारनपुर नगर निगम महत्वपूर्ण नगर निगम है, वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो इमरान मसूद की जो भाई की पत्नी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, खदीजा मसूद, उनकी घेराबंदी के लिए अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँच गए थे और सुन रहे हैं कि 9 तारीख में यहाँ भी आ रहे हैं। देखिए, वहाँ भी अखिलेश जी मुंह की खा के आए, वहाँ की लोगों ने खुद, जनता उनसे कह दिया है कि यहाँ कोई काम नहीं है, उनका पहले जुलूस निकला, बाद में हमारा जुलूस देख के उनको फीका हो गया था, और इस बार जनता ने उनको खुद मुंह तोड़ जवाब दे दिया वहाँ की सहारनपुर में, और इसी तरीके यहाँ भी मुंह की खा के जाएंगे अखिलेश जी। मुख्यमंत्री आए थे योगी आदित्यनाथ, तमाम चीज़ें कह के गए हैं कि अराजकता वाली पार्टी है ये पार्टी। देखिए मुख्यमंत्री, आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार का दहशत का माहौल है, अरे सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो नारा इनका है, आप बताओ कौन सी समाज इनके विश्वास में सही तरीके से खड़ी है। हर दहशत का माहौल है, हर तरीके से किस तरीके से प्रदेश के अंदर
दबाव है, अधिकारियों पे दबाव है, प्रशासन के सारे अमले पे दबाव है कि जीत के लाना चाहिए, लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन नारायण सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला है, समाजवादी पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है, और देखिएगा कि किस तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो बदल जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।